सुप्रभातम। तो हम अभी पहुंचे हैं चित्रकूट, रात भर सफर करने के बाद जी बहुत कष्टदायक सफर था पिछले कल तो 6 घंटे की जगह हमें 12 घंटे लग गए हैं। भाई साहब और मैं बीमार हो चुके थे रात को, हमने इंजेक्शन लगाए दोनों को तो तब जाके जा। भाई साहब ठीक है, तो हमारे उस्ताद जी थोड़े से चुस्त लग रहे हैं अभी, ठीक है भाई साहब? मलिंगा भी आ चुका, देखो इतना। प्रभातम महादेव, तो हम पहुंच चुके हैं चित्रकूट में। तो चित्रकूट में सुबह पहुंचे क्योंकि बारिश तूफान बहुत ज़्यादा था, इस कारण थोड़े से लेट हो गए हैं। तो अभी पहुंच के हमने होटल में कमरा जो मिल चुका है, कमरा भी दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छे और सुंदर स्थान। और अभी जो है फ्रेश होकर जो है सभी अल्फार कर रहे हैं। अल्फार की अच्छी व्यवस्था, बहुत ही HD व्यवस्था। हमारे रोहित भैया ताजा ताजा अल्फार अल्फार करने के लिए तैयार। हमारे चुनी भाई मलिंगा मामा जी बिल्कुल आनंद ले रहे हैं यात्रा का, ऐसा आनंद शायद आज तक ना मिला हो। और हमारे बिट्टा भाई जिनकी बहुत बड़ी खासियत है गाड़ी चलाने, गाड़ी चलाते हैं और अभी देखो भोजन तैयार कर रहे हैं। पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद बिल्कुल चुस्ती भरे, इनका मानना कि नर सेवा नारायण सेवा। और हमारे मलिंगा जी बिल्कुल इनका साथ देते हैं हमेशा, 24/7 समझ गए होंगे आप। ये हमारे अंकल जी, ये भी आनंद में है और ये हमारे बहुत ही सेवा करने वाले व्यक्ति, बहुत ही आनंददायक कृष्णा जी हमारे। और इनकी तो बात ही निराली है, इनके हाथ का जो खाना एक बार खा लेता तो घर जाके महीना भर दुखी रहता है। और हमारे राजा भैया, इनको आप जानते ही हैं, बहुत बार आप इनकी वीडियो देख चुके हैं, ये भी हमेशा जो है तत्पर रहते हैं सभी की सेवा में, तभी जो है इनको इसका फल भी मिल चुका पिछले साल। तो ये था हमारे भोजन की व्यवस्था, बहुत ही तरोताज़ा भोजन। तो अब दिखाएंगे आपको इसके बाद जो जो होता आज का दिन, तब तक के लिए महादेव। ये थी हमारी भोजन की व्यवस्था, अल्फार की व्यवस्था भी, मैं नहाया नहीं हूँ, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है और ब्रश भी नहीं किया, तो बहुत जल्द जो है आगे हम घूमने जाएंगे अगर बारिश रुकी तो। ठीक है, बारिश बहुत भयंकर लगी है, बहुत भयंकर बारिश, अगर रुकती है तो आपको दिखाएंगे। श्री राधे। हमारे रूम जहां हम सोने वाले हैं, बहुत ही सुंदर आप देख सकते हैं। आगे हम रेस्ट करने, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, पहले फ्रेश हो लेते हैं, नहा धो लेते हैं। तो ये हमारा बेड है, ये हमारा रूम। तो अब जो है हमारी नहाने के बाद जो है रेस्ट करेंगे 2-3 बजे तक, उसके बाद जाएंगे हम बाहर घूमने महादेव। अच्छी व्यवस्था देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था मात्र हमारे इस टूर की, जो कि पूरा गंगा सागर काठमांडू नेपाल होता, 25-30 दिन का टूर और ऐसी व्यवस्था खाने पीने रहने की मात्र 20 है। तो नहा के मैं हो चुका हूँ फ्रेश, अब सोने की तैयारी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो तो क्या है, बेड पे लेट लेते हैं, थोड़ा नहा के आराम मिला। तो ये था अभी तक का हमारा समय कि हम कैसे पहुँचे और चित्रकूट पहुँचकर हमने किस स्थान पर रहे, अपना अल्फार ब्रेकफास्ट और किस प्रकार की व्यवस्था हमें रही आपको दिखाया। तो जुड़े रहिए, दिखाएंगे चित्रकूट के अन्य स्थान, मंदिर जो भी होगा, अगर बारिश रुकती है तो दिखा पाऊँगा, बारिश लगी रही तो मात्र दर्शन कर पाऊँगा, क्योंकि मोबाइल का कई बार नीचे गिरने का क्राउड में खतरा होता है। और प्लानिंग तो यही है कि बुलेट लेकर घूमेंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। तो तब तक के लिए महादेव। तो जुड़े रहिए हमारे इसी ब्लॉग पर पूरे यात्रा के साथ और पूरे आनंदमय के साथ। श्री राधे महादेव। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आनंदित टूर है कुल मिलाकर, ऐसा आनंद ऐसा कभी आ नहीं सकता है, घर से निकलना जरूरी है। एक बार मैं तो कहता हूँ जरूर घर से निकले, हमारे साथ आइए, हर वर्ष की यात्रा हमारे साथ कीजिए। 4 धाम यात्राओं से लेकर सभी प्रकार की यात्रा हम आप जो हमारे साथ कर सकते हैं प्रतिवर्ष,
तो हमारा यही काम है श्री महाचमुंडा कर्मकांड कुटुंब आप सबकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा, अपनी संस्कृति के लिए अपने इन्हीं भावनाओं के साथ लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे माता पिताजी का और दादाजी के आशीर्वाद से हमारा ये कार्य जो निरंतर सफल रहे। पंडित नरसिंह शर्मा जी मेरे पूजनीय दादाजी की कृपा से ही आज जो है इन यात्राओं में आ पा रहा हूँ। उनकी एक इच्छा अभिलाषा थी तभी जो है ये सफल हो पा रहा है। अपने पूजनीय पिताजी और माता की कृपा और आशीर्वाद से ही आज मैं जो भी हूँ आगे बढ़ रहा हूँ। उनको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, दंडवत प्रणाम, श्री राधे महादेव। तो ठीक है दोस्तों, मैं अब सोने की बिल्कुल फुल तैयारी, क्योंकि रात को भी नहीं सोया हूँ, पिछले कल भी नहीं सोया, 3 दिनों से सोया नहीं था, क्योंकि हम रहे बातचीत करते डिस्कस करते। अब थोड़ा सो लेता हूँ ताकि मैं घूमने में बिल्कुल रिलैक्स हो सकूँ। माँ भगवती के आशीर्वाद से हमेशा ऐसे ही हमारा जीवन जो हष्ट पुष्ट रहे। तो मिलते हैं, महादेव, गुड बाय, शिवरात्रि, नमो नमः।